जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों से एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है, और वो न्यूज़ है कि दुनिया की सबसे नंबर वन मैगजीन, जिसको हम टाइम मैगजीन के नाम से जानते हैं, उसमें भीम आर्मी चीफ, मानवता की बात करने वाले बहुजन हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को 100 सर्वश्रेष्ठ नेताओं की श्रेणी में रखा गया है, उनको स्थान दिया गया है। लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है कि पूंजीपति और गंदी सरकार की गंदी मानसिकता के इशारे पर जो काम करने वाली मनु मीडिया है, मनु विचारधारा पर काम करने वाली मीडिया है, वो आज ये दर्शा रही है कि भारत में कौन जानता है चंद्रशेखर आजाद जी को, कौन जानता है भारत में भीम आर्मी चीफ को। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं उस गोदी मीडिया को बता दूं कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी को पूछना है तो उन युवाओं के दिलों से पूछिए, उन युवाओं के दिल की धड़कन से पूछिए जिनकी धड़कन में वो वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब से इस लड़ाई की शुरुआत की हमेशा मानवता के लिए लड़ाई लड़ी, देश में रहने वाले तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, बहुजनों के हक की लड़ाई लड़ी और जातिगत तंज भी झेला। सरकार के इशारे पर जो मीडिया काम कर रही है वो सुन लेके चंद्रशेखर आजाद जी को अगर ढूंढना है तो देश में रहने वाले दलित, पीड़ित, आदिवासी, गरीब, वंचित जो एक तबका है उसके दिलों में जाकर ढूंढो चंद्रशेखर भाई को और पूछो कि कौन है चंद्रशेखर आजाद। एक एक लफ्ज आपको जवाब देगा कि कौन है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद वो है जिसने इस समाज के लिए जातिगत तन झेला है, जेलों में रातें गुजारी हैं, सिर्फ इस समाज के लिए, इस देश के लिए वो मानवता की बात करते हैं, इस देश में प्रेम, प्यार, भाईचारे, एकता की बात करते हैं। अगर भीम आर्मी चीफ, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को ढूंढना है तो देश में रहने वाले तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, बहुजनों के दिलों में जाकर ढूंढो। अगर चंद्रशेखर आजाद जी का नाम पूछना है तो इस देश में मानवता की बात करने वाले लोगों से चंद्रशेखर आजाद जी का नाम पूछो। अगर आपको हर एक जुबान से भीम आर्मी चीफ का नाम ना मिले बड़े सम्मान के साथ, तो कह देना ये जो गोदी मीडिया, मनु मीडिया जो सरकार के इशारों पर काम करती है, इस देश में हमें पता है कि जिनकी सरकारें होती हैं आप उनका तलवे चाटने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद देश का उभरता नेता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दुनिया की सबसे नंबर वन मैगजीन, टाइम मैगजीन का, जिन्होंने जिस समाज को एक पुस्तक के आधार पर सबसे निचला बताया गया, हालांकि वो था नहीं, उस समाज से आने वाले व्यक्ति और मानवता की बात करने वाले, देश में प्रेम, प्यार, भाईचारा, एकता की बात करने वाले भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को 100 सर्वश्रेष्ठ नेताओं की, उभरते हुए नेताओं की सूची में स्थान दिया। लेकिन आज मैं गोदी मीडिया से भी कहना चाहूंगा कि आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि देश में जो सबसे निचला तबका था, जिसके गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, जिसको कभी अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जिसको कभी शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिसको मूछे रखने का अधिकार नहीं था, आज उस समाज से आने वाला व्यक्ति दुनिया की सबसे नंबर वन मैगजीन में अपना स्थान बना लिया, तो इसीलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, और खासकर गोदी मीडिया से कहना चाहूंगा, मनु मीडिया से कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जी को अगर ढूंढना है तो मानवता की बात करने वाले लोगों के दिलों से जाकर पूछो, उनके दिलों में ढूंढो, खंगाल के देखो। अगर हर किसी के दिल में चंद्रशेखर आजाद जी ना मिले तो कहना जय भीम।